जिस नवाबी दौर को खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, उसी में योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। क्या आपकी ऐसी इच्छा है कि लखनऊ को, क्या आपकी ऐसी कोई इच्छा है कि लखनऊ, जिसमें आप कहते हैं लक्ष्मणपुर होना चाहिए, उसमें कुछ स्पष्टता से बोलेंगे? देखिए, दोनों अलग अलग विषय हैं। प्रयाग कोई नया नामकरण नहीं किया गया। हमारे शास्त्रों में प्रयाग उस जगह को कहते हैं जहां एक से अधिक नदियों का संगम होता है। प्रयाग खाली इलाहाबाद में ही नहीं है, ये प्रयाग आप उत्तराखंड में जाएं तो पंच प्रयाग हैं। वो हर एक छोटी नदी दूसरी नदी से मिलती है, उसका नाम प्रयाग रख दिया गया, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग आदि आदि। तो ये मान्यता है और आप उसके साक्ष्य भी मिल रहे हैं कि प्रयाग ऐसी जगह है जहां तीन नदियों का संगम होता था, जिसमें एक नदी जो है भूमिगत हो गई है। अभी तक लोग इसे कथा मानते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि आज भी वो त्रिवेणी सरस्वती जो है वो वहां से उद्गम स्थान पर दिखाई दे रही है। और कुछ पुरातत्ववेताओं ने और भूगर्भ विज्ञानियों ने वो पूरा खोज कर ली है कि जमीन के अंदर वो आज भी एक विशाल नदी के रूप में प्रवाह कर रही है। कई बार ये संकट आ रहा है कि लोग कह रहे हैं पानी के लिए आने वाले समय में, लेकिन जिन्हें अपना इतिहास नहीं मालूम है उन्हें मालूम होना चाहिए कि अभी भी वो सरस्वती नदी में इतना जल है कि जिस दिन उसको हम ऊपर ले आए। तो ये प्रयाग किसी ने नामकरण नहीं किया, लखनऊ का नाम सर बदलना चाहिए क्या? लखनऊ का भी लक्ष्मण ने उसको बसाया, इसका कोई इतिहासकार ने आज तक खंडन नहीं किया कि गलत है। तो यहां समय समय पर शब्दों शब्द अपभ्रंश होते रहे। तो शुरू में लखनावती था जो लक्ष्मण ने बसाया, बाद में उसका एक हिस्सा था जिसे लखनपुर कहते थे। अंग्रेजी भाषा आते तक थे वो लखनपुर से लखनऊ हो गया। आप चाहते हैं लक्ष्मणपुर हो? ही है, एक आखिरी मतलब सवाल, उसे बदलने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली लखनपुर या लखनावती का अपभ्रंश है अंग्रेजी शब्द में। पहले ये लखनऊ कहलाता था और जब ये अंग्रेजों का शासन हुआ तो उसका परिष्कार करके अंग्रेजी में नाम उसका हो गया लखनऊ। बल्कि उसमें कहानी तो ये है कि अंग्रेजों ने जवाबात पे कब्जा किया तो खुशी में डांस करते हुए कहा कि लखनऊ हमारा भाग्य आज जग गया, और वो लखनऊ हो गया लखनऊ। तो ये इन्हें बदलने की, अगर मैं आपको सही समझी हूँ सर, तो आप चाहते हैं कि जैसे इलाहाबाद का फिर से वापस वही नाम उसे दे दिया गया जो पहला था प्रयागराज का, वैसे ही लखनऊ को वापस वही नाम दे दिया जाए जो आप मानते हैं सही है, लक्ष्मणपुर था।
कुछ महापुरुषों के सोच को बताता हूं। डॉक्टर लोहिया का मैं बहुत सम्मान करता था, एक बार मैं देहरादून में गया था, डॉक्टर लोहिया वहाँ की डैम कोठी है, अब तो उसका रूप बदल गया, उसका ऐसा सुंदर रूप था कि आप बैठें तो सामने गंगा, बाएं गंगा, दाहिनी तरफ देखें, यानी सब तरफ गंगा ही गंगा। वहाँ पर बैठ के कोई व्यक्ति भी उस प्रकृति के दृश्य को देख के भाव भी हो जाता। मुझे पता लगा कि लोहिया जी वहाँ हैं, मैं उनसे मिलने गया तो बिल्कुल वो ध्यानस्थ से वो गंगा को देख रहे थे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने अनुभव किया कोई खड़ा है, तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप बड़े ध्यानस्थ थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। बोले नहीं आओ आओ बैठो बैठो। जो मैं बताना चाहता हूँ वो उसको आप ऐतिहासिक संदर्भ में लें। बोले यहाँ मैं देख के टंडन मेरे मन में भाव आता है, कि ये क्या देश है, दो जगह मुझे लगता है कि अवश्य बदल दी जानी चाहिए। उस समय हरिद्वार कोई जिला नहीं था, जिला था सहारनपुर। बोले बताइए, सारी दुनिया इसको हरिद्वार के नाम से जानती, यहां एहसान करने आती, और कौन जानता है फैजाबाद। लेकिन ऐसी मजबूरी है कि कोई उसको बदल नहीं देता। आज तो भूगोल ही बदल गया और हरिद्वार एक अलग अस्तित्व में आ गया। दूसरा वो कहते थे फैजाबाद के बारे में, बोले दूसरा शहर है जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां मैं मेरा कार्यक्षेत्र रहा, आज भी मैं वहीं रहता हूं। और अयोध्या सारी दुनिया में, लेकिन कौन जानता है फैजाबाद। ये हमारे सांस्कृतिक सोच हमेशा, चाहे जिस दल में हो कहीं भी हो, जो इस मिट्टी की से जो प्रेरणा लेते हैं उनके मन में ये भाव हमेशा आते रहे।